शपथ ग्रहण सेरेमनी चल रही थी और उसी के दौरान जो है जम्मू में रियासी की जो लोकेशन है वहां पे एक टेरर अटैक होता है, एक सॉफ्ट टारगेट को जो है मिलिटेंट हिट करते हैं। इसमें जाने जाती हैं 10 लोग अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं, कई लोग जख्मी हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया। मैं नहीं समझता कि ISI के नॉड के बगैर हो सकता था और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब। काउंट किया है वो इस्लाम से बहुत दूर है, ये कहना कि मुसलमान है मैं नहीं समझता मुसलमान। आप ऐसा एहसास देने की कोशिश करें कि ये हमने किया साहब, क्या हमारा कर लिया, तो देखिए फिर साहब आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शंस मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये जो मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बड़ा वाकया हुआ है तो ये वाकई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है। पहला डे जिस दिन मोदी सरकार मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड इट इज फेयरली मास कैजुअल्टी, कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पे अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी। वी हैड थॉट द सिनेरियो लॉजिक वाज दैट दे वुड लीव अस अलोन, वी वुड लीव यू अलोन। ये जो टाइमिंग है ये बड़ी गलत है। You poke India in the eye, you poke Modi 3.0 in the eye, कि साहब जिस दिन आपकी swearing होती है ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से, you know it amounts to that and that unfortunately can, जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की मोदी साहब की equation पहले काफी ठीक थी और maybe things would get on the mend. But I'm afraid the way they have started, mend तो नहीं, ये तो bend हो रहा है साहब। नहीं मैं सब इसी को जल साहब इसी को मैं अगर बात करूं, आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, आपको पता है जल साहब कल एक और इवेंट भी हुआ है और इवेंट कह ले हादसा कहना चाहिए, इवेंट नहीं कहना चाहिए, कि 7 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं, कल की बात है, जिसमें एक कैप्टन था जिसकी शादी 19 जून को थी। जल साहब इसको आप कैसे देखेंगे अगर उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी, लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है तो लिहाजा अब आपके फौजी जो है वो शहीद होंगे, फिर हम भी इसको इस तरह ड्रॉ करें, या क्या आप समझते हैं कि दोनों तरफ से दहशतगर्दों ने या मिसक्रीट्स ने या जो ट्रबल मेकर्स हैं उन्होंने सिग्नल तो दी, हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन का जिसकी शादी थी 19 जून को।